अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक ऐसी जगह आए हैं जहाँ पर आके जो है ना अपनायत सी फील होती है, और इसको आप मिनी पाकिस्तान भी कह सकते हैं। जगह का नाम है दीवान एवेन्यू, और इट्स लाइक मिनी पाकिस्तान इन शिकागो। तो यहाँ पे मतलब रेस्टोरेंट से लेके पान की दुकानों तक हर चीज़ अवेलेबल है, और इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में रहती है यहाँ पे, और मिलजुल के बड़े प्यार से रहते हैं। तो मैं आज यहाँ पे आपको आज मैं एनवायरनमेंट दिखाता हूँ यहाँ का, और थोड़ा एंजॉय करते हैं फिर। सही है, मेरे साथ हमेशा की तरह अब्दुल अली, और ये उस्मान, और हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं आपके साथ दीवान एवेन्यू। चलें, फिर आगे चल के मुलाकात होती है। यहाँ पे भाई फुल पाकिस्तान की तरह जो है वो देसी इन्वायरमेंट है। स्ट्रीट्स पर जिस तरह लोग बैठे होते हैं हमारे यहाँ, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही है इन्वायरमेंट स्ट्रीट पे। ये जो है ना, ये उस्मान का रेस्टोरेंट है, इसका मालिक मेरे पीछे ही खड़ा हुआ है। बिल्कुल कहाँ है भाई, ये रहा इसका मालिक। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अच्छा, ये आमने सामने जो है ना दोनों बने हुए, ये चाइनीज है और जो देसी आपको वैरायटी मिलेगी वो बिल्कुल इसके ठीक सामने। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको देसी मिलेगा। ये आमने सामने खोले में इन्होंने, एक चाइनीज है और एक देसी है, एक ही ओनर है। कराची चाट हाउस, अमीर तंदूरी कबाब। ये रहा किंग स्वीट्स, ये भी पाकिस्तानी बेकरी है, बहुत ही अच्छी जो है, इनकी मिठाई वगैरह काफ़ी अच्छी होती है। यार आपको खूबसूरत चीज़ दिखाऊं, ये देखें, ये जो स्ट्रीट है ना पूरी, ये मोहम्मद अली जिन्ना के नाम, उसके साथ ही पाक स्वीट्स बेकर भी है। ये दो आवारा गर्द बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनसे थोड़ा सा इंटरव्यू करते हैं। Nice watch, man. What you do for a living? Uber. क्या बोला तूने? Nice shoes, man. What you do for a living? Wait a minute. I do nothing. बाप के टुकड़ों में पल रहा है। भाई यहाँ पे easy load होता है, देखें। अंदर कपड़े भी लटके हुए भाई। भाई आप सोचोगे ये कुर्ते शुरते लटके हुए, ये आखिर कौन सा ब्रांड है? तो आप ये देखें, हमारा अपना जे डॉट है भाई यहाँ पे। और इसी के ठीक बराबर में आपको तहूरा मिलेगा, ये भी एक बेकरी है, काफ़ी अच्छी बेकरी है ये पाकिस्तानी। भाई देखें कितनी तमीज से रोड क्रॉस होता है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग मतलब यहाँ पे सही मायनों में यूज़ हो रही है। देखें आपको यहाँ कोई गाड़ी नज़र आ रही है ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर, पीछे खड़े हैं सारे, ये देखें। अमर कारपेट, ये अमार होते होते रह गया, बस एक एम से मार खा गया। यार पहले ग्लिम्स पे तो मुझे लगा ये मेहरान लिखा है, वो मसाले वाला मेहरान, पर ये मेहराब है। और इसकी जो थीम है ना, इन्होंने बिल्कुल मेहरान मसाले वाली यूज की है। चीटिंग 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 करता है तू। इटालियन एक्सप्रेस है, यहाँ का जो पिज्जा है वो बहुत ही लाजवाब, मशहूर, मतलब जबरदस्त है यहाँ का पिज्जा ना। अगर आप यहाँ पे आए कभी तो इटालियन एक्सप्रेस जरूर ट्राई करें दीवान एवेन्यू पे। और इसके साथ ही ये नायाब मार्ट है, ये ग्रोसरी स्टोर है पाकिस्तानी। ये देखें आटे शाटे लगे हुए डिस्प्ले पे, आटे चावल। और इसके ठीक बराबर में ये अजवा स्वीट्स, ये भी मिठाई की शॉप है। क्या नहीं है यार यहाँ पे, क्या नहीं है। अच्छा हाँ, एक चीज़ पाकिस्तान वाली है यहाँ पे, बड़ी कॉमन है, कचरा मिलेगा आपको जहाँ हम लोग मिले वहाँ कचरा जरूर मिलेगा आपको। देखें जलवा है हमारा यार, यहाँ रिक्शे वाला खड़ा है, उससे पूछते हैं साबरी निहारी तक जाएगा। भैया साबरी निहारी तक जाना क्या लोगे? ज़्यादा तो ले सकता हूँ पर ये बराबर में ही है। अरे
यार कोई निहारी का बहुत ज़्यादा शौकीन है ना भाई, तो यहाँ ज़रूर आए। दीवान एवेन्यू पे सबसे बेस्ट निहारी प्लेस ये है। बाकी थोड़ा सा रिक्शे वाले से पूछते हैं उसका क्या धंधा चलता है यहाँ पे, क्या धंधा चलता है, कहाँ कहाँ ट्रैवल किया उसने आज तक। रिक्शे वाले भैया अपना बहुत शुक्रिया आपने मुझे गाइड किया। आप कहाँ तक ट्रैवल किया है आपने अब तक, कहाँ तक की सवारी आपको सबसे ज़्यादा मिली है यहाँ से, लंबी सवारी? ज़्यादातर जाता हूँ केमाड़ी जाता हूँ, लियारी जाता हूँ। ये आपका लहजा कुछ जाना पहचान लग रहा है, कौन सी कौम से ताल्लुक रखते हो? मैं हजारा वाला। हजारा वाला जी बिल्कुल। और इनका रिक्शा अंदर से दिखाएं आपको। अरे रिक्शा क्या ये क्या है खान साहब, ये बेवकूफ बना रहे हो हमको, तुम्हें वो आपके खान पाकिस्तानी है खान, तुम्हारे पीछे कोई बंदा खड़ा है वो जानने वाला है तुम्हारा। आपसे मिलती जुलती शक्ल लग रही है लड़के की खान साहब, ये मुझे मशकूक लग रहा है, बहुत देर से देख रहा तुम्हें पीछे से। यार इनका पान खाने का बहुत मूड हो रहा है अली वगैरह का, तो यहाँ पे पान की दुकान नजर आई है, तो चलते हैं अंदर देखते हैं यहाँ पे कैसे पान बनता है और पान खाते हैं। चल ताज़ा खुशबू। यार तुम्हें पान का बताना भी नहीं आ रहा। ऐसा आपको प्रमोट करूंगा ना कल लाइन लगी हुई होगी आपके। अच्छा और नहीं होना बस इतना ही काफी है, आपको जानता है ये मीठा पान भैया भाई, यहाँ पे हमें दो पान पड़े हैं $3 के, तो आप हिसाब लगा लें कितना महंगा पान पड़ता है हमें। आप हाय 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 फुल देसी भाई देसी भाई, जहाँ मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पे यहाँ स्ट्रीट है, वहीं यहाँ पे थोड़ा आगे आके गांधी के नाम पे भी एक स्ट्रीट है, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितना ज़्यादा जो है यहाँ पे पाकिस्तान और इंडियन कम्युनिटी का जोर है। और ये साथ इसके बंदू खान है, आई थिंक बंदू खान पाकिस्तान में भी अली राइट जी जी हाँ, ये तो ये सॉरी ये दरख्त बिल्कुल बंदू के आगे बिल्कुल दरख्त आ रहा है, तो बट ये बंदू खान है, बहुत ही वन ऑफ दी फेमस रेस्टोरेंट हेयर। और इसके साथ ही ये इंडियन साड़ी की शॉप है ISP इंडिया साड़ी पैलेस। अलीज नेहारी एंड बारबेक्यू के ओनर भी मेरे साथ हैं इस वक्त, मिलवाता हूँ। ये रहे अली भाई, कैसा चल रहा है धंधा? आ रहे हैं कहा खाना वाना नेहारी वारी बिक रही है तुम्हारी? ये क्या खा रहे हो तुम, क्या खा रहे हो? पांग आ रहे हैं बेहम के लिए साड़ी चाहिए तो यहाँ आओ। ये देखें पटेल ब्रदर्स, ये यहाँ का सबसे बड़ा इंडियन ग्रॉसरी स्टोर है और इसकी तकरीबन 3 ब्रांचेस हैं शिकागो में। हर चीज़ अवेलेबल है अंदर। और ये अभी जो है ना अभी संडे की वजह से जो है ना आज काफ़ी रश है लोगों का ग्रॉसरी शॉपिंग। ये भी कोई इंडियन स्टोर है कपड़ों का। आपको बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखाऊं यहाँ पे, वो मेरे सामने वो रही। बीच में एक अफगानी शॉप नज़र आई है मुझे, मैंने पहले कभी नहीं देखी, मे बी नहीं हो। अफगान सुपरमार्केट, उसके ऊपर फ्रेश ज़बीहा हलाल, अच्छा ग्रॉसरी स्टोर और मतलब ऑल इन वन है यहाँ पे, सब भी मिलता है। अफगान जलेबी का तो सुना है, तो अफगान सुपरमार्केट पहली दफ़ा सुन रहे हैं अली भाई, पहली दफ़ा है ना। जब बात कर रहे हो खानों की तो फिर कढ़ाई को कैसे भूल सकते हैं भैया, कढ़ाई कॉर्नर आएँ, कढ़ाई खाएं, लुत्फ़ उठाएं। बहुत लेम हो गया ना ये वाला।
तो गाइज ये था डिवॉन एवेन्यू, जितना मैं आपको दिखा सका मैंने दिखा दिया है और आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ पे पाकिस्तान और इंडियन कम्युनिटी किस हिसाब से रहती है। ठीक है, अभी तो लगी है बहुत भूख, गर्मी भी बहुत हो रही है, कुछ खाने के लिए यहाँ पे असल में यहाँ पे ऑप्शन बहुत है ना, तो यहाँ पे डिसाइड करना ही मुश्किल होता है कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो अभी अली और उस्मान से मशवरा करते हैं और देखते हैं क्या खाना है। अली क्या मूड हो रहा है? अबे जल्दी बोल। देखते हैं कोई चीज कढ़ाई टाइप का करते हैं या तो चले ऐसा करते हैं। तो देखते हैं यार क्या क्या डिसाइड होता है, फिर आपको लेके चलते हैं वहाँ पे और खाना शाना खाते हैं। क्या इधर ये अधूरे अधूरे रिक्शे खड़े हैं भाई, क्या सीन क्या है इनका? इस पे हिंदी लिखी है, वो सिंधी भी लिखी है शायद, नहीं तो हाँ सटो आयो। ओहो सिंधी भी है भाई, सिंधी भी है। यू आर ब्यूटीफुल वाले जहाँ भी जाते हैं ना निशानी जरूर छोड़ जाते हैं। देखो ये गुटके की पीक मारी हुई इतने प्यारे फूलों के बराबर, असल में इसको मजीद खूबसूरत बनाने के लिए ऐसा किया गया। What? यार अब जो चीज़ आपको दिखाने लगा हूँ ना वो खामोशी से देख लो, मैं कुछ बोलूँगा नहीं उसको मेरे सामने। भाई अब देसी माहौल बन गया है तो फिर खाना भी हम देसी स्टाइल का खाएंगे, रोल और समोसे। ये क्या चटनी है, ये शरबत की चटनी है क्या? ये होगी पुदीने की चटनी। इसका कलर होता नहीं, रायता लग रहा है, पता नहीं। खैर हम इस पे फोकस करेंगे। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? आई होप यू लाइक इट। आगे चल के इस तरह आपको ट्रैवल करवाते रहेंगे, तो अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।